हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर आज की रीडिंग है गाइस कि साईं बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। यहाँ पे टू ऑप्शन रखे हैं, एक वाइट रंग का और एक रेड रंग का। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है, ध्यान से अट्रैक्ट करता है, उसको देखिए। पहले ध्यान से देखिए, उसके बाद चुनिए, फिर रीडिंग जो है बहुत एक्यूरेट निकल कर आती है गाइस। आप अगर जो भी पूछना चाहते हैं, दिल की बात, आपको क्या गाइडेंस साईं बाबा देना चाह रहे हैं, वो हम आज जानेंगे गाइस। जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन चुना, देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है गाइस। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बहुत बड़ा टावर मोमेंट आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं गाइस, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं। यानी ये क्राउन का टूटना यानी आपके आर्थिक तकलीफ़ों को दर्शाता है, या हो सकता है आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं है, या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं गाइस जिसको आप बयां नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तनाव में है, तकलीफ़ में है। यानी टावर मोमेंट फ़िलहाल आपके लाइफ में गाइस चल ही रहा है, आप देख सकते हैं कार्ड के द्वारा। यानी आपके मान सम्मान को भी तकलीफ़ हो रहा है, यानी ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में उथल पुथल मच रखी है। यानी बहुत बुरी तरह से आप परेशान हैं, साईं बाबा कह रहे हैं। तो यहाँ साईं बाबा बोल रहे हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, इतने तकलीफ़ों से कुछ नहीं होने वाला है, तुम जरा भी चिंता मत करो, क्योंकि दुख के बाद ही सुख आता है। यहाँ पे बोल रहे हैं साईं बाबा आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हो, लेखन के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हो, या पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हो, तो तुम्हारा समय जो ख़राब था वो बीत चुका है, अच्छा समय आ गया है। यहाँ पे देखिए, समय अच्छा है, तुम कर सकते हो, तुमको सफलता ज़रूर से ज़रूर मिलेगी, मेहनत करो। और एक और भी बात बोलना चाह रहे हैं आप साईं बाबा आपसे, कि आपका चित्त जो है, मन जो है, सदा दुखी से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, परेशानियों से भरा है। आपके मन में बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, तो यहाँ साईं बाबा आपके कह रहे हैं, इन बुरे विचारों को, इन गंदे विचारों को तुम दूर करो, और अच्छे और शुद्ध विचारों वाले लोग को ही संसार में सुख पाते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये, जो आपके मन में जो भी पीड़ा है, दर्द है, तकलीफ़ है, उसको निकाल दो, और आने वाले सुख की कामना करो कि मैं हमेशा सुखी रहूँगा, ये सोचो, शुद्ध विचार रखो। बैड चीज़ें मत सोचो, बुरी चीज़ें मत सोचो, बल्कि शुद्ध विचार रखो कि मैं बहुत सुख पाऊँगा, मैं बहुत सुखी रहूँगा, और मैं बहुत ही सुखी होने वाला हूँ। यहाँ पर ये आपको मैनिफेस्ट करना है, तभी जाके आपकी लाइफ जो है खुशियों से भर जाएगी। और आप साईं बाबा बोल रहे हैं, समय अच्छा है तो आप उसका सदुपयोग करिए गाइस, इस दुख में, इस पीड़ा दर्द में मत रहिए, बल्कि आप सक्सेस हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। अच्छे विचार रखिए, और आप जो काम करना चाहते हो दिल से करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, और आपका समय बहुत अच्छा शुरू होने वाला है गाइस। जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आया है। यहाँ पे आपके लिए साईं बाबा का मैसेज है गाइस, कि देखिए आप बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी पुरुष हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ही ज़्यादा आप हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, मेल या फीमेल जो भी हैं। आप अपने साहस के दम पे धन दौलत सुख समृद्धि हासिल किया है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी हासिल किया है, आप अपने मेहनत से आप आगे गए हैं लाइफ में। तो साईं बाबा बोल रहे हैं, इस मेहनत को तुम बरकरार रखो बच्चे, बहुत ज़्यादा तुम मेहनत कर रहे हो, इस मेहनत को कभी कम मत होने देना। जिम्मेदारी से काम कर रहे हो, जिम्मेदारी से काम करते रहो, तो तुम बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेस रहोगे, ऊँचे पद पर रहोगे, और बहुत सुख समृद्धि तुम्हारे लाइफ में भरी रहेगी। देखते हैं और क्या कहते हैं।
यहाँ पे साईं बाबा कह रहे हैं कि तुम इतने सुख समृद्धि से भरे हुए हो, इतना तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, धन है, दौलत है, सब सुख समृद्धि है, तो बस इतना करना कि तुम अपनी वाणी मधुर रखना, कभी भी किसी को कठोर वचन मत बोलना, बात भी बात तर्क वितर्क से दूर रहना, शुद्ध और प्यारा वचन बोलोगे तो ये तुम्हारे लिए सोने पे सुहागा का काम करेगा और तुम और भी ज़्यादा प्रसिद्धि पाओगे, फेमस होगे, सुख समृद्धि बढ़ेगी। यानी अपना वाणी जो है मधुर रखो, प्यारा वचन बोलो और तुम इसी तरह सक्सेस और सफल रहोगे। लेकिन ये है, तर्क वितर्क या किसी ऐसे विवाद से बचिए जो आपको नुकसान पहुंचा देगा, तो ऐसे चीज़ों से आप सावधान रहिए, क्योंकि साईं बाबा बहुत सही बताते हैं गाइस, तो आप उनको अमल करिए। यहाँ पे लिखा गया है कि कोई बंधन बाधा जादू टोटका या बुरी नज़र है तो साईं बाबा का दर्शन करें या चिंतन करें, उनका स्मरण करें, साईं समर्थ पाठ करें। 21 दिन तक आप पाठ कर सकते हैं, स्वप्न में आकर साईं बाबा आपको स्वयं मार्गदर्शन देंगे। ये उन लोगों को रेजोनेट करेगा गाइस, जैसे कि कोई किसी किसी को ना बुरी नज़र लग जाती है, कोई बाधा लग जाता है या फिर ऐसे तकलीफ़ें आ जाती हैं जिसके कारण लोगों को परेशानियां हो जाती हैं, नज़र दोष हो जाता है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, तो उनके लिए ये बताया जा रहा है कि अगर आपको, मान लो आप शिरडी नहीं जा सकते हो, तो आसपास अपने घर के मंदिर में साईं बाबा का दर्शन कर लो, पास के मंदिर में साईं बाबा का दर्शन कर लो, उनका 21 बार आप नाम का स्मरण करेंगे तो आपका जो भी समस्या है, जो भी नज़र दोष है, जो भी कोई बंधन बाधा है या कोई भी तकलीफ है, बुरी नज़र है, वो दूर हो जाएगी और आपको स्वयं साईं बाबा जो है आपके स्वप्न में आके उसका हल बताएंगे। यहाँ पे लिख के दिया गया है कि स्वयं दर्शन देकर आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है गाइस, यहाँ पे ये निकल कर आया, तो कोई कोई जो यहाँ पे व्यूवर्स हैं वाकई बहुत ज़्यादा नज़र दोष से, बंधन से, जादू टोटका से प्रभावित है, सब लोग नहीं हैं, कोई कोई है गाइस, तो उस ये उपाय भी बता दिए, तो आप ये करके देखिए, आपको बहुत बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अगर ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन।